हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 20 सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 11 नहीं देखा होगा तो वो देख लो। उसमें मैंने अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं ये समझाया है एंड उसकी प्रॉपर्टी भी समझाई है। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट में बताती हूँ। जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट होते हैं तब फोर एंगल्स तैयार होते हैं। आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो अपोजिट एंगल्स होते हैं। ओके, मतलब देखो इस एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा आएगा, ये, एंड इस एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा आएगा, ये वाला एंगल। ओके, अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, हमेशा याद रखना अपोजिट एंगल्स के मेजर्स सेम होते हैं। मतलब ये एंगल अगर 138 डिग्री का होगा तो ये एंगल भी 138 डिग्री का ही आएगा, एंड ये एंगल अगर 42 डिग्री का होगा तो ये एंगल भी 42 डिग्री का ही आएगा। ओके, तो हमेशा याद रखना अपोजिट एंगल्स के मेजरमेंट्स सेम होते हैं। चारों एंगल्स के एडिशन क्या आनी चाहिए, 360 डिग्री। ओके, तो चलो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइन्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी। देखो लाइन ए सी एंड लाइन बी डी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। मेजर ऑफ एंगल ए पी डी इज इक्वल टू 47 डिग्री। देखो इस एंगल का मेजर क्या दिया है, 47 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए पी बी, एंगल बी पी सी एंड एंगल सी पी डी। तो हमें इन तीनों एंगल्स के मेजर्स निकालने हैं। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, एंगल ए पी डी का मेजर क्या है, 47 डिग्री। इस एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, एंगल बी पी सी। तो ये एंगल अगर 47 डिग्री का है तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा, 47 डिग्री का, क्योंकि अपोजिट एंगल्स के मेजर्स हमेशा सेम होते हैं। तो चलो लिख लेते हैं, एंगल ए पी डी एंड एंगल बी पी सी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मेजर ऑफ एंगल ए पी डी इज इक्वल टू 47 डिग्री, ये दिया हुआ है, गिवन। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 47 डिग्री। ओके, तो देखो एक एंगल का हमें मेजर मिल गया, ये एंगल 47 डिग्री का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए ये एंगल भी 47 डिग्री का ही आया, क्योंकि ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स है एंड अपोजिट एंगल्स के मेजर्स सेम होते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, ये दोनों एंगल्स ऑब्जर्व करो, एंगल ए पी डी एंड एंगल ए पी बी। ये दोनों एंगल्स कौन से एंगल्स है, लीनियर पेयर एंगल्स, क्योंकि देखो इसमें एक कॉमन आर्म है रे पी ए, एंड ये जो दो आर्म्स है रे पी बी एंड रे पी डी, ये दोनों आर्म्स की वजह से स्ट्रेट लाइन तैयार हुई है ना। आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, ये दोनों एंगल्स एक लाइन पे है, मतलब ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स है। ओके, तो अगर ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स है, मतलब इन दोनों की एडिशन क्या आएगी, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स की एडिशन हमेशा 180 डिग्री आती है। ओके, तो 47 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल ए पी डी एंड एंगल ए पी बी आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर।
ओके, ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स हैं, तो इन दोनों के मेजर्स की एडिशन क्या आएगी, 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एपीडी प्लस मेजर ऑफ एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एपीडी क्या है, 47 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखो मेजर ऑफ एंगल हम लोग एपीबी निकालेंगे, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एपीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 47 डिग्री। डिग्री तो हमें मेजर ऑफ एंगल एपीबी क्या मिला, 133 डिग्री। तो हमें और एक एंगल का मेजर मिल गया, अभी देखो मेजर ऑफ एंगल एपीबी क्या मिला है, 133 डिग्री। ये एंगल मिला हमें 133 डिग्री, इस एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल 133 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 133 डिग्री का ही आएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स के मेजर्स सेम होते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल एपीबी एंड एंगल सीपीडी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मेजर ऑफ एंगल एपीबी इज इक्वल टू 133 डिग्री, देखो यहाँ पे आया है, ओके। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल सीपीडी इज इक्वल टू 133 डिग्री। एंगल एपीडी दिया था 47 डिग्री, बाकी के तीनों एंगल्स के मेजर्स हमने निकाल लिए हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, लाइन पी क्यू एंड लाइन आर एस पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मेजर ऑफ एंगल पी एम आर इज इक्वल टू एक्स डिग्री। देखो एंगल पी एम आर का मेजर क्या दिया है, एक्स डिग्री। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल पी एम एस, एंगल एस एम क्यू एंड एंगल क्यू एम आर, तो हमें इन तीनों एंगल्स के मेजर्स निकालने हैं। देखो सेम क्वेश्चन नंबर वन जैसे ही हमें सॉल्व करना है, एंगल बी एम आर का मेजर क्या दिया है, एक्स डिग्री। इस एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, एंगल एस एम क्यू। ये एंगल एक्स डिग्री का है, तो ये एंगल भी एक्स डिग्री का ही आएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स के मेजर्स सेम होते हैं, ओके। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल पी एम आर एंड एंगल एस एम क्यू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मेजर ऑफ एंगल पी एम आर इज इक्वल टू एक्स डिग्री, ये दिया हुआ है, गिवन। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एस एम क्यू इज इक्वल टू एक्स डिग्री, दोनों के मेजर्स सेम ही आएंगे,
क्योंकि ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स हैं। तो हमें एक एंगल का मेजर मिल गया। अभी देखो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ऑब्जर्व करो, मतलब एंगल PMR एंड एंगल PMS ऑब्जर्व करना है। ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स है, क्योंकि देखो ये दोनों एंगल्स एक लाइन पे है ना। तो अगर ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स हैं, मतलब ये दोनों एंगल्स की एडिशन क्या आएगी, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स की एडिशन हमेशा 180 डिग्री आती है। मतलब देखो x डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल PMS इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। एंगल PMR एंड एंगल PMS आर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स हैं। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल PMR प्लस मेजर ऑफ एंगल PMS इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल PMR क्या है, x डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल PMS इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल PMS निकालेंगे, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल PMS इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल PMS इज इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री। और एक एंगल का मेजर मिल गया हमें, देखो मेजर ऑफ एंगल PMS क्या मिला, 180 माइनस x डिग्री। मतलब देखो ये एंगल हमें मिला 180 माइनस x डिग्री। इस एंगल का अपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल, एंगल QMR। तो ये एंगल हमें 180 माइनस x डिग्री मिला, मतलब ये एंगल भी 180 माइनस x डिग्री ही आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल PMS एंड एंगल QMR आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मेजर ऑफ एंगल PMS इज इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री। देखो यहाँ पे मिला है हमें, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल QMR इज इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री। देखो तीनों एंगल्स के मेजर्स हमने निकाल लिए हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।